झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार सबको है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली फेरा जारी है और हर फेरे के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना प्रबल होती चली जा रही है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से बजट के आकार और उसके प्रकार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली पूर्ण बहुमत की गठबंधन सरकार पर सबकी निगाहें टिकी है। हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कौन कौन चेहरा होगा, किसके कंधों पर किस विभाग की जिम्मेवारी होगी, कैबिनेट के अंदर बर्थ का फॉर्मूला क्या होगा, इन तमाम सवालों के जद में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड के आगामी बजट के आकार और प्रकार का सवाल छुपा है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर बीजेपी का तंज सत्ता पक्ष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बार बार जाने के बाद भी जब मंत्रालय का लिस्ट फाइनल नहीं हो पाया और मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्होंने वादा किया था कि ये झारखंडियों की सरकार है, झारखंड से चलेगी, रांची से चलेगी, लेकिन जिस सरकार के तार डायरेक्टली दिल्ली से जुड़े हों और मंत्रियों के नाम पे भी हरी झंडी लेने के लिए इनको दिल्ली दरबार का इंतजार करना पड़े, तो मुझे लगता है दोनों बातों में विरोधाभास। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को आगामी बजट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस देरी से वित्तीय वर्ष 2020-21 के झारखंड बजट निर्माण पर असर पड़ेगा। चुनौतियों का सामना कैसे करना है, ये इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा। मंत्रिमंडल के जो साथी होंगे उनके विभागों का भी बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा और जो योजनाएं बन रही है, जो बजट का जहां तक प्रश्न है, वो भी अपना आकार ले लेगा। राज्य के विकास में बजट का आकार हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के बजट में इस बार क्या कुछ नया होगा और किस समाज के विकास को वर्तमान सरकार में प्राथमिकता मिलेगी, ये और बहुत कुछ मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग के बंटवारे के साथ तय हो जाएगा, मगर इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन कौशल के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।